कोई स्कूल का पेपर ऐसा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आए, इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो कितने क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, रियल लॉ, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो बनेंगे बनेंगे, क्वेश्चन आने ही हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस्ड इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब सपोज इस बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल यू थी, और कितनी हो गई, वी हो गई, अपने आप तो हुई नहीं, मैंने क्या लगाई, फोर्स, वेलोसिटी बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो मैंने वर्क डन किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन किया। जो मैंने वर्क डन किया, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो आपने वर्क डन किया इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और सिंपल टर्म में, इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो 10 जूल थी, मैंने वर्क डन किया और इसकी फाइनल एनर्जी 30 जूल हो गई, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 30 माइनस 10, 20 जूल हो गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि आपने 20 जूल का बाहर से काम किया है, ठीक। तो जो आपने वर्क डन किया 20 जूल, उससे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एनर्जी कंजर्वेशन ही तो यार कुछ है ही नहीं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसकी एनर्जी काइनेटिक 10 जूल, मैंने वर्क डन करके कर दी 30 जूल, इंक्रीज कितनी हुई 20 जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि जो मैंने वर्क डन किया इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 20 जूल। तो मैंने वर्क डन 20 जूल किया, ठीक। तो स्टेटमेंट लिख लो कि ये वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो मैं वर्क डन करूंगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए जो ऊपर प्रूव किया नीचे सेम है, आपने वही इस बॉडी को मूव करवाने के लिए पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, एफ डी एस कॉस 0, सेम डायरेक्शन में। एफ क्या होता है, एम इन टू ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी। आप इस एफ की जगह एम इन टू डीवी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी वी वही काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन फिर से रिपीट हो रही है, बिल्कुल सेम है जो अभी इससे पहले किया हमने। तो फिर से सेम एम वी डी वी, लिमिट में फर्क है, हमने पिछले केस में लिमिट क्या लगाई थी, 0 से V, इसमें क्या लगाई, यू से वी। तो वर्क डन की सेम ये डब्ल्यू आ गया, वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, एक बार वी की जगह अपर लिमिट वी स्क्वायर बाई टू, एक बार लोअर लिमिट यू स्क्वायर बाई टू, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूव हो गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपने करके आना है अपने स्कूल में,